कैसे समझ में आती है और अपनी शैली है गाने की लिखने की, आप बहुत आसान शब्दों में बहुत ही तरीके से बिल्कुल आसान सी शैली में बांध के गाने लिख जाते हैं, वो भी कहानी उतनी ही मारक है। और आप कदमों में छपी हुई प्रवीण की कहानी पढ़ी है, प्रवीण कुमार की, मनोज पांडे की कहानियां जो स्वर्ण देश को लेकर लिखी गई है उनको आप देखिए और संदीप मेल की इस कहानी को देखिए, आप पाएंगे कि ये सभी कहानीकार एक ऐसी सांकेतिक और रूपकात्मक भाषा में कुछ बात कहने की कोशिश कर रहे हैं जो फासिस्ट दौर में भी बड़े आराम से कही जा सकती है। मैं 2013 से लगातार अक्टूबर में प्रत्येक वर्ष बड़ा कार्यक्रम करता हूं और उस हिसाब से सातवां, लेकिन दो और आयोजन हमने मार्च में किए तो उनको मिला लेंगे तो ये नौवां आयोजन हमारा बड़ा आयोजन था। वैसे मासिक या त्रैमासिक हम लोग कोई ना कोई आयोजन करते ही रहते हैं यहाँ, लेकिन बड़ा आयोजन ये हमारा नौवां था कि लखनऊ कथाकारों का शहर रहा है। इसमें अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा, यशपाल की एक त्रयी हुआ करती थी एक समय, बाद में राग दरबारी के श्रीलाल शुक्ल यहीं पे रहे और संप्रति आज भी देखें तो शिवमूर्ति, अखिलेश, देवेंद्र, हरिचरण प्रकाश, किरण सिंह, ये सारे कथाकार लखनऊ में ही रहते हैं। और कहानी को लेकर के एक महत्वपूर्ण पत्रिका कथाक्रम निकलती है जिसका आयोजन भी होता है और कथाकार देश भर से यहाँ लगभग 25 सालों से जुटते रहे हैं और उसी के एक भाव को बनाए रखने के लिए लखनऊ में कविता का सृजन आयोजन और उस पे ढेर सारे कवियों को सुनने का हमने एक दायित्व निभाया यह कह सकते हैं। कहानी की जमीन तो यहाँ पहले से ही रही है और कहानी का आयोजन अपने आप में एक परंपरा का आयोजन है। मैंने जो ये कच्चापन है इसकी ओर इशारा किया है अभी उमाशंकर चौधरी के एक उपन्यास पर चर्चा करते हुए, तो उसमें मैंने बताया कि उसके उपन्यास के आखिर के लगभग 25-30 पन्नों का एक हिस्सा है जो फैंटेसी की शैली में चलता है। हाँ, अंधेरे होना, तो एक जो भूगोल एक दायरा थी, मतलब एक कहानी ऐसा नहीं है कि एक रैखिक किसी तरह एक भाषा के स्तर पर आप देखेंगे वर्णित मिलेगा और कवि शैली में भी, चाहे संदीप पीर की कहानी एक अलग, जैसा कि संजीव जी ने कहा आप सब लोगों ने सुना ही कि एक अलग धरातल पर चलती हुई लिखती है फुटकर, वैसे मैं भी उसी शैली को अपनाऊं जो थोड़ी सरल लगेगी कि ये कहानियों ने क्या छाप छोड़ी। और न सिर्फ कवि बल्कि कवित्रियां, सिर्फ 2 साल का मैं आपको रिकॉर्ड बता दूं पिछले और इस साल का, तो देश भर की स्थानीय स्तर से मिलाकर के कुल 30 कवित्रियों ने यहाँ पर कविता पाठ किया, तो एक स्त्री सशक्तिकरण का भी कविता की दुनिया में काम यहाँ पर हो रहा है। इस बार एक मुकम्मल कोशिश थी कि एक नहीं कई पीढ़ियों के 5 कहानीकार कहानियों का पाठ करें और उन कहानियों पर विस्तार से बातचीत जी, उसमें सब लोग शामिल हो, श्रोता भी शामिल जी। 3 महत्वपूर्ण कहानीकार इस समय युवा जो गिने जा रहे हैं कहानी की दुनिया की, बुगाटी का जूता फेम मनीष वैद्य और राजस्थान से युवा कहानीकार संदीप मील और लोक को बहुत बेहतर तरीके से बुनने वाली युवा कहानीकार सोनी पांडे। पर बात करें, हमने 5 कहानियां यहाँ सुनी, 5 कहानियों को मैंने पहले भी पढ़ा था, उन कहानीकारों को मैंने पहले पढ़ा था, सोनी पांडे जी की कहानी, बदमा
का स्टूडियो बहुत ही हास्य व्यंग का फुट लेकर बहुत खिलखिले अंदाज में वो कहानी